हमारे पास बहुत से ओल्ड कपड़े वैसे ही पड़े रहते हैं जिनको हम ना ही तो यूज़ करते हैं और ना ही फेंकते हैं। ऐसे ही मेरे पास मेरे बेटे की छोटी हो चुकी टी शर्ट पड़ी है जिसको मैं यूज़ करते हुए आज सर्दियों के लिए एक बहुत ही अच्छी DIY बनाने वाली हूँ। अगर आप भी उसे बनाते हैं तो सारी सर्दियाँ आपके पैर सर्दी से बचे रहेंगे, और सर्दी आते ही जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम होती है हमारी पैरों की एड़ियाँ जो होती है ख़राब होने लगती है, आप इस प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे और साथ में आप ओल्ड टी शर्ट का बहुत बढ़िया सा रीयूज़ भी कर लेंगे। आज के DIY मोज़े विंटर सॉक्स बनाने के लिए आप कोई भी ओल्ड टी शर्ट पजामा या लेगिंग आपके पास हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें मोज़े बनाने के लिए अपने पैर का साइज़ कैसे लेना है। मैं अपने पैर के आगे से इंच टेप को रखते हुए पीछे एड़ी तक इसका साइज लूँगी। मेरी 26 सेंटीमीटर लेंथ आ रही है, तो अब इसकी चौड़ाई लेने के लिए हम इंची टेप को अपने पैर पर घुमाएंगे। जहाँ पर हमारे पैर का चौड़ा भाग होता है वहाँ पर हम इंची टेप को घुमाते हुए चौड़ाई लेंगे। मेरे पैर की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर आ रही है। अब मैं पैर के ऊपर के भाग का साइज लूँगी जहाँ पर मेरा 12 सेंटीमीटर आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर रख रही हूँ। आपको ऊपर का भाग जो रखना है वो आप सामने देख पाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ हमें कहाँ तक लेना है। वैसे इसे थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। अब जितना मैंने साइज लिया है वैसा मैं दो पीस मुझे कट करने हैं दोनों पैरों के मोज़े बनाने के लिए। मेरे पास जो ओल्ड टी शर्ट है मैं उस पर निशान लगाकर जितना भी मैंने लंबाई चौड़ाई के निशान लगाए हुए हैं निशान लगाकर सेम दो पीस कर लूँगी। टी शर्ट से आगे पीछे के दोनों ही दो पीस निकल आएंगे हमारे दोनों मोज़ों के लिए। मैंने सेम निशान लगा लिए थे जो मुझे साइज चाहिए। अब मैं दोनों पीस को कट कर रही हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी 26 लेंथ थी, 25 मेरी चौड़ाई थी, वे सेम मैंने आगे पीछे का दोनों पीस काटते हुए दो पीस कट कर लिए दोनों मोज़ों के लिए। अब दोनों पीस को मैं एक साथ फोल्ड कर रही हूँ बीच से। फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर का जो साइज लिया था जो 12 सेंटीमीटर आया था वो लगा रही हूँ। एक साइड से लेते हुए 12 सेंटीमीटर निशान लगाऊंगी। इसके आगे मैं 1.5 डाउन जाकर निशान लगाऊंगी। सेम 1.5 नीचे की ओर भी मैं डाउन जाकर निशान लगाऊंगी, और दोनों साइड पर निशान लगाने के बाद इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगी। मैं फिर से आपको बता रही हूँ जहाँ पर मैंने जो डाउन जाकर निशान लगाया है वो 1.5 इंच पर जाकर लगाया है। अब दोनों निशान को मैं मिला रही हूँ। उसके बाद मैं ऊपर की ओर थोड़ी सी गलाई में शेप डाल दूंगी। शेप डालने के बाद मैं जो निशान लगा चुकी हूँ उसके ऊपर ऊपर काट दूंगी। एक साइड हमने निशान लगाकर काट लिया, दूसरी साइड में सिंपल सी बस गुलाई में शेप दे रही हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से सिंपल सी बस शेप दे रही हूँ, इसी तरह मैं दूसरी साइड भी गुलाई में शेप डाल दूंगी। निशान लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उस निशान के बाहर उसे हम काट देंगे। इस तरीके से मैंने दोनों मोजों को एक साथ में जो कटिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। दोनों मोजों के लिए मेरे अलग अलग पीस कट हो चुके हैं, बस हमें इतनी मोजों की कटिंग करनी थी। अब मैं इसमें से एक पीस लेकर जहाँ पर हमने कटिंग की है उसे हम बीच से खोल देंगे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ लेनी है जो हमने कट किया हुआ है कि सारी टोटल उसकी लेंथ कितनी है। इसीलिए हम जहाँ पर हमने काटा है उस पीस को खोलकर लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है। मैंने सेम उसी टी शर्ट से दो पट्टियाँ कट कर ली 21 सेंटीमीटर की दोनों मोज़ों के लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। तो अब हम दोनों जो मोज़ों के पीस कट किए हैं उनको बीच से फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद इस गलाई की ओर हम जस्ट एक सिलाई लगा देंगे। और सेम इसी तरह हमने जो दूसरे मोज़े के लिए भी पीस कट करके रखा है उसे भी फोल्ड करेंगे और गलाई की ओर एक सिलाई लगा देंगे, जहां पर हम कपड़े को उल्टा फोल्ड करेंगे। जो हमने पट्टी कट की है उसके दोनों कोनों को एक साथ जोड़ते हैं, जहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह दूसरी पट्टी को भी सिलाई लगा देंगे। अब जहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि कई बार हम टी शर्ट, लेगिंग या पजामा से कुछ बनाना चाहते हैं तो जब हम मशीन चलाते हैं उसके ऊपर तो वो मशीन ठीक तरीके से नहीं चलती। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी टी शर्ट वगैरह पर सिलाई लगाते हैं तो वो सिलाई ठीक नहीं लगती, तो फिर आप जो भी बनाने वाले हो उसके नीचे एक पेपर रख दें, फिर आप सिलाई लगाएं, फिर आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया सी सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगने के बाद आप उस पेपर को उतार दें, बड़ी आसानी से वो उतर जाता है। तो मैं भी आपको दिखाने के लिए जहाँ पर जो मोज़ा बनाने वाली हूँ उसके नीचे पेपर लगा कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे हमें इस मोज़े के घुमाते हुए सिलाई लगानी है नीचे की ओर। और साथ साथ में हमें कपड़े को भी सेट करते जाना है कि दोनों पीस एक तरीके से सेट रहें और उसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो सिलाई लगाने के बाद आप देखिए बहुत ही आसानी से पेपर भी उतर जाता है, जस्ट हम पेपर को फाड़ देंगे तो वो उतर जाएगा, तो आपकी सिलाई भी बहुत बढ़िया सी लग जाएगी। अब मैं दूसरे मोज़े को भी नीचे की ओर सिलाई लगा रही हूँ। साथ साथ में हमें कपड़े को सेट करते जाना है, आगे पीछे ना हो। जहाँ पर मैंने जो पट्टी ली थी मैंने आपको बताया था कि दोनों कोनों को एक साथ जोड़ते हुए हमें सिलाई करना है, मैंने वो सिलाई कर ली। अब आप देख सकते हैं जो हमने पट्टी ली थी उसका जहाँ पर जोड़ है, जो हमने सिलाई की है, जो मोज़े की बैक साइड एड़ी की ओर जोड़ होगा हम दोनों जोड़ को आपस में अटैच करेंगे। हमें दोनों सिलाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए सिलाई लगानी है। जो मैं मोज़े को जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी कट की थी वो मैं ऊपर की ओर लगा रही हूँ, जहाँ पर मैंने अभी भी मोज़े को उल्टा रखा है और जो मैंने पट्टी एक्स्ट्रा कट की थी उसे मैंने अंदर डाल दिया है मोज़े की। मेरा कहने का मीनिंग कि मोज़े की सीधी साइड और उस पट्टी की सीधी साइड दोनों को मैं एक साथ जोड़ते हुए ऊपर सिलाई कर रही हूँ। सेम इसी तरह मैं घुमाते हुए मोज़े और पट्टी को एक साथ जोड़ते हुए ऊपर सिलाई लगा दूंगी। अब हमारी पट्टी मोज़े पर अटैच हो चुकी है, उसी पट्टी को हम बाहर की ओर उल्टी साइड घुमाकर फोल्ड करते हुए फिर से एक सिलाई लगाएंगे। हम इस तरीके से पट्टी को दूसरी साइड घुमाते जाएंगे और फोल्ड करके फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो अब मेरे मोज़े बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मैंने ऊपर पट्टी लगाई है, जस्ट वो जैसे ऊपर हम पाइपिंग वगैरह लगाते हैं इस तरीके से मैंने लगाई है। अब मैं इन्हें सीधा करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। जस्ट हमने तीन सिलाइयाँ इस पर लगाई, एक हमने मोज़े पर लगाई नीचे की ओर, एक हमने पट्टी अटैच करते हुए लगाई, एक हमने पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई। जस्ट तीन सिलाइयाँ हमें लगानी पड़ी तो हमारे मोज़े बनकर तैयार है। तो कटिंग भी आप देख ही चुके हैं, बहुत ही आसान थी इसकी कटिंग और स्टिचिंग। आप भी इसी तरह अपने किसी भी ओल्ड पजामा, लेगिंग, टी शर्ट को रीयूज़ करते हुए विंटर सॉक्स बना सकते हैं और सर्दी से बचे रह सकते हैं। मैंने दोस्तों लास्ट ईयर भी आपके साथ 3-4 वीडियो शेयर की थी मोज़े बनाने की, विंटर सॉक्स बनाने की। उन वीडियोस को बहुत लाइक किया जा रहा है, उन वीडियोस में 2-3 वीडियोस तो मिलियंस में व्यूज़ गए हुए हैं।
अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगी। आप प्लीज़ उन्हें जाकर जरूर चेक कीजिएगा, जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में भी बहुत आसान तरीके बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से घर पर विंटर सॉक्स बना सकते हैं, मोज़े बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ। ओके दोस्तों, मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।